हेलो फ्रेंड, माया इवनिंग फूड में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पिन्नी। चलो रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए, पिन्नी बनाने के लिए हम पिन्नी में डालेंगे हल्दी, जो कि कच्ची हल्दी है, अपने गमले से ली है। इसको हम छील के कद्दूकस करेंगे और इसको 1 किलो 1 लीटर दूध में पकाएंगे। पिन्नी बनाने के लिए चाहिए हमें 1 किलो देसी घी। ये हमारा 1 किलो देसी घी है और हमारे हैं ये 250 ग्राम बादाम ड्राई फ्रूट, 250 ग्राम, और 250 ग्राम ही हमारे काजू हैं, और 250 ग्राम ही हमारे चारे मगज हैं, ये 250 ग्राम ही किशमिश है, और 250 ग्राम ही गूंद है, और ये 100 ग्राम कमरकस है, जो कि सबके लिए अच्छा होता है, बुजुर्गों के लिए भी ये कमरकस है 100 ग्राम। ये 100 ग्राम सौंफ, और ये 100 ग्राम भी है सौंठ, जो कि पिसी हुई है 100 ग्राम सौंठ, और ये 100 ग्राम है सोए, तो सोए 100 ग्राम सोए, और ये 100 ग्राम ही अजवाइन है, ये भी हम इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे, और ये हमारी 50 ग्राम है छोटी इलायची, जिसको हम छील के पाउडर करके फिर डालेंगे इसको। ये है हमारे पाइया मखाने, 250 ग्राम ही हमारे मखाने हैं, इनको भी हम डालेंगे, और ये हमारी 1 किलो देसी खंड है, 1 किलो देसी खंड, आप ज़रूरत अनुसार जितना चाहें उतना डालें। अब हम इनको सब ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेंगे हल्का हल्का, और फिर उसके बाद इसको मिक्सी में पीस लेंगे, फिर रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमारी कच्ची हल्दी है, हम इसको 1 लीटर दूध में पकाएंगे। अब हम इसको छील के कद्दूकस करेंगे। देखिए, इसको हल्दी को ऐसे छील लेंगे। दूध हमने गैस पे चढ़ा दिया है, जब तक हमारा दूध उबाली खाएगा जब तक हम इसको छील लेंगे और कद्दूकस करके दूध में अच्छे से पकाएंगे, जैसे कि ये खोए के जैसा हो जाए। पिन्नी बनाने के लिए हमारा ये 1 किलो खोआ है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट, 1 किलो खोआ डालेंगे हम अपने इसमें पिन्नी में, घर का बना हुआ निकला खोआ है ये। ये देखिए, ये मेरे हल्दी वाले हाथ है थोड़े, तब को इसको कलर हो गया। चलो 1 किलो डालेंगे हम इसमें खोआ, ये देखिए हल्दी को हम कद्दूकस कर लेंगे सारी को। ये देखिए अच्छे से कद्दूकस करके इसको 1 लीटर दूध में पकाएंगे फिर। ये देखिए हमारी हल्दी अच्छे से कद्दूकस हो चुकी है, इसको हमने कर लिया कद्दूकस, ये देखिए अच्छे से। अब हम हमारा दूध गर्म हो चुका है, ये देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी और इसको अच्छे से पकाएंगे, जब तक इसका दूध पूरा ना सूख जाए तब तक इसको पकाएंगे अच्छे से। दूध को हमने पूरा सुखाना है, बीच बीच में इसको हलाते रहेंगे, ये देखिए ऐसे इसको हलाते रहेंगे। 1 लीटर दूध है ये, और इसमें 250 ग्राम हल्दी है, कच्ची हल्दी, कद्दूकस करके डालें, इसको हलाते रहें बीच बीच में। अब इसको अच्छे से पकने दें, जब तक हम और मसालों को तैयार कर लेते हैं, ड्राई फ्रूट को उसको भून लेंगे, तब तक हमारी हल्दी भी पक जाएगी। हमारा पैन गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, एक चम्मच और डाल देंगे, देखिए। अब इसमें हम फ्राई करेंगे ड्राई फ्रूट। हमारा घी गर्म हो चुका है और हमने इसको गैस को लो फ्लेम पे रखा है ताकि हमारा ड्राई फ्रूट जले ना। देखिए हमारा 250 ग्राम ड्राई फ्रूट है, हम इनको हल्का सा भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट अब हल्के ब्राउन हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं, जलाने नहीं हैं, हल्के धीमी आंच पे बिल्कुल हल्के से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे,
डालेंगे हम इसमें काजू, इसको भी हल्का ब्राउन कर लेंगे, इसको चला देंगे थोड़ा हल्का। अब इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे हल्का हल्का, मीडियम लो पे पकाएंगे इसको, गैस को कम ही रखेंगे, ये देखिए, ताकि ये जले ना, और अच्छे से भून लेंगे इनको। ये देखिए हमारे काजू लाइट ब्राउन हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं करने ये, ना कि जल ना जाइए, अच्छे से हिलाते रहे इनको। अब हमारे हो चुके हैं, हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, ये देखिए अच्छे से, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम, ताकि ये खिले बने, इसकी पूरा फूल जाएगा ये गोंद, अच्छे से राते रहना है इसको, देखिए देखिए हमारा गोंद अच्छे से फूल रहा है, ये देखिए हमारा गोंद अच्छे से फूल रहा है ये, ऐसे तभी सारे खिले बन जाए इसकी अच्छे से, ये देखिए। फिर हम इसको हम अच्छे से हो जाएगा बर्तन में निकाल लेंगे, ये देखिए पूरी इसकी खिलें बन चुकी हैं, ये देखिए हमारा गोंद अच्छे से इसकी खिलें बन चुकी हैं। अब इसको अच्छे से बर्तन में निकाल लेंगे, अच्छे से पक चुका है ये। हमने कमरकस को भी भून लिया है हल्का सा, देखिए मीडियम गैस पे ही बनाना है इसको, ऐसे नहीं, तो देखिए अच्छे से चलाते रहें इसको साथ के साथ। हमारा कमरकस तैयार हो चुका है, अब ये देखिए हम इसमें डालेंगे मगज और इनको अच्छे से भून लेंगे लो फ्लेम पे, देखिए इसको हिलाते चलाते रहें, ये देखिए चटक रहे हैं ना ये देखिए, अच्छे से चलाते रहें इसको, बिल्कुल हल्के ब्राउन करने हैं ताकि ये जले ना, देखिए बिल्कुल फूल चुके हैं ये अच्छे से। इसको हम बर्तन में निकाल लेंगे, ये देखिए हमने इसको अच्छे से भून लिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे, इसको दो दो तीन तीन मिनट बनाया है हमने, पकाया है इसको, जो भी ड्राई फ्रूट है हमने सिर्फ दो या तीन मिनट ही करा है इनको, ज़्यादा नहीं करना है ताकि ये जले ना, ज़्यादा करोगे तो जल जाएंगे। तो देखिए अब इसको दो तीन मिनट हो चुके हैं, हमारे ये तैयार हो चुके हैं, अब इसको बर्तन में निकाल लेंगे। हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट हैं उनको हमने दो या तीन मिनट ही रोस्ट किया है, इससे ज़्यादा नहीं करना ताकि जले ना। ये देखिए अच्छे से तैयार हो चुके हैं, फूल चुके हैं, ये देखिए अब इसको बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमने इसको सारे ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लिया है हल्का हल्का, ये देखिए सबको, अब इसको हम मिक्सी में पीसेंगे। और ये हमारी किशमिश है, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको सबसे लास्ट में डालेंगे, इसको फ्राई कुछ नहीं करना है, इसको इसको ऐसे ही डालना है ऊपर से। ये इलायची है, इसको हम छील के इसके बीज निकालेंगे और इसको मिक्सी में पीस के फिर ये भी लास्ट में डालेंगे। अब इन ड्राई फ्रूट को हम मिक्सी में पीस लेंगे थोड़ा थोड़ा डाल के, देखिए हमारे ड्राई फ्रूट हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे बर्तन में, बर्तन सूखा होना चाहिए, हम गैस को जला लेते हैं, कर लेते हैं हम बर्तन, इसको थोड़ी देर गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे घी और इसमें
गेहूं का आटा भुनेंगे थोड़ा सा। देखिए जो हमने कद्दूकस करके हल्दी डाली थी इसमें दूध में, 1 लीटर दूध में, ये देखिए 250 ग्राम हल्दी, ये अच्छे से पक चुकी है। अब इसको 25 मिनट हो गए हैं पकते पकते, 25 मिनट में तैयार हो गई है, ये देखिए अच्छे से तैयार है। अब ये अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसको अपने अब हमारी देंगे तैयार हो जाएंगी ये पिन्नी, उसमें डालेंगे। अभी ये देखिए पूरा दूध सूख चुका है और पूरा एक खोए के जैसे हो चुकी है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल पानी नहीं है इसमें, अब अच्छे से हमारी हल्दी पक चुकी है, हमारा पतीला हो चुका है गर्म। अब उसमें डालेंगे हम देसी घी, हम आटे को भूनेंगे गेहूं के आटे को। देखिए तो हम डालेंगे 3 चम्मच घी डाल लेंगे, 3-4 चम्मच। इसमें मैंने बड़े 4 चम्मच घी डाला है, ये देखिए। घी गर्म हो चुका है ये देखिए, अब इसमें डालेंगे हम 2 कप आटा गेहूं का, इसको साथ ही साथ चलाते रहेंगे। ये देखिए हमने इसमें डाला है 2 कप आटा, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे। और गैस को हम धीमा ही रखेंगे ताकि अच्छे से भून हो जाए, गले ना। ये देखिए आटा हमारा गेहूँ का ब्राउन हो चुका है, बिल्कुल लाइट, ज़्यादा नहीं करना, धीमी आँच पे पकाना है इसको, ज़्यादा तेज नहीं करना ताकि ये जले ना, और इसको बीच में हिलाते रहना है साथ के साथ। ये देखिए अब इसने घी छोड़ दिया है, अब ये हमारा आटा पूरा भून चुका है अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे खोआ, ये देखिए हमारा खोआ है, अब इसको हम इसमें डालेंगे खोए को अच्छे से, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके साथ ही साथ हिलाते रहेंगे। ये हमारा 1 किलो खोआ है जिसमें डाला है हमने पीने के लिए बनाने में, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को कर देते हैं बंद, इसको बिल्कुल धीमी आंच में पकाना है इसको अच्छे से। तैयार है आटा हमारा, अच्छे से भुन चुका है, इसको साथ के साथ चलाते रहें, अच्छे से ताकि इसमें गिरती ना पड़े। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए साथ में, ये इसमें खोआ हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल। और इसमें डालेंगे और जो हमने सोए पीस रखे हैं, सोए हैं ये, और खोए डालेंगे, इसको हमने भूना नहीं था, ये ऐसे पीसे हैं क्योंकि इसी में पक जाएंगे ये सोए। और ये अजवाइन, ये 250-250 ग्राम है, ये हमने पीस ली थी सोए, ये 250 ग्राम हमारी सौंफ, साथ में डाल लेंगे और चलाते जाएंगे इसको ताकि अच्छे से पक जाए। देखिए इसमें हमने सोए अजवाइन और सौंफ डाल दिया है क्योंकि वो हमने भूली नहीं थी, ऐसी डाली, इसी में पक जाएगी वो, और हम इसको इसी में पका देंगे। अब इसमें डालेंगे हम जो हमने कद्दूकस हल्दी कर रखी थी, वो हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है, अब वो इसमें डालेंगे। ये देखिए ये हमने हल्दी जो 1 लीटर दूध में पकाई थी कद्दूकस करके, ये भी इसमें डाल देंगे। अब जैसे पक चुकी है, घी छोड़ दिया है इसने हल्दी ने, अब इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे।
इसको अच्छे से चला देंगे इसमें ऐसे। ये हल्दी बहुत फायदेमंद है, जैसे कि बुजुर्ग हों घर में उनके लिए सब खाएँ इसको, तो सबको फायदा करती है। देखिए इसका कलर भी बन गया, और इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट, और इसमें डालेंगे हम ये गोंद। ये हमने गोंद को फ्राई कर रखा है और ड्राई फ्रूट है साथ में इसके। ये हमारी 100 ग्राम सौंठ है पिसी हुई, इसको भी हम बीच में डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। देखिए चलाते रहें इसको साथ ही साथ। ये हमने डाल दिया इसमें गोंद जो हमने मिक्सिंग पीस रखा था, इसको भी साथ में मिक्स कर देते हैं, चलाते रहते हैं इसको ऐसे। अब इसमें डालेंगे हम ये जो हमारा है कमरकस, इसको भी डाल देंगे हमने। इसको हमने घी में भून कर और मिक्सिंग पीस रखा है अच्छे से। ये देखिए ये है हमारा कमरकस। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, बीच में मिक्स कर देंगे। ये देखिए हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। ये है इसमें काजू बादाम और चारे मगज, सब डाल दिए हमने इसमें। हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम मखाने जो कि हमने मिक्सी में पीस लिए हैं। ये डाल दिए हमने इसमें मखाने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ ही साथ। ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट मिक्स हो चुके हैं खाने सब। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार खंड, देसी खंड जो भी आपको ज़रूरत है स्वाद अनुसार उतनी डालें। जितना मीठा आप खाना चाहें उतना डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये 1 किलो खंड थी, ये हमने थोड़ी बचा ली है इसमें से। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए देखिए हमारा पुनिया का मिक्सर बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। अब हम लास्ट में डालेंगे इसमें छोटा इलायची पाउडर। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छी खुशबू फैल गई है सारे घर में। ये डाल दिया हमने इलायची पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और साथ ही गैस को कर देते हैं बंद, और हमारा पिन्नी का मिक्सर बनके तैयार हो चुका है पिन्नी हमारी। अब हम इसको नीचे उतार देंगे और ठंडा करेंगे और किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे इसको। ठंडा करके साथ के साथ पिन्नी बना देंगे। अब ये तैयार हो चुका है, अब हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है। अब इसको हम बड़े बर्तन में निकाल लेंगे अच्छे से। पिन्नी के लिए रेडी है ये, थोड़ी देर ठंडा होने देंगे इसको। ठंडा होने के बाद में साथ के साथ इसको हम पिन्नी बना देंगे इसकी। ये देखिए अब हमारा पिन्नी का मिक्सर पूरा बनके तैयार हो चुका है, पिन्नी बनाने के लिए तैयार है पूरा। ये देखिए अब इसमें डालेंगे हम लास्ट में किशमिश, 250 ग्राम किशमिश है ये। देखिए अच्छे से किशमिश को इसमें मिक्स कर देंगे 250 ग्राम। देखिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमारा मिक्सर बनके तैयार हो चुका है, अब हम इसमें पिन्नी बनाने शुरू करेंगे। ये देखिए हमारी पिन्निया के बनके मिक्सर तैयार हो चुका है, और इसमें हल्दी का बिल्कुल केसर के जैसा रंग आया है। देखिए कितना सुंदर है और अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। हम पिन्नी बनानी शुरू करते हैं। ये देखिए आप चाहे बड़ी बनाएं, छोटी बनाएं, मीडियम साइज़ की, जैसे देखें जैसे आप चाहें वैसे बना सकते हैं अच्छे से। ये देखिए गोल मटोल पिन्नी
बन के तैयार हो चुकी है ये हमारी। अब इसमें हम लगा देते हैं गार्निश के लिए बादाम। घी इसमें देखिए पूरा है, देखिए घी निकल रहा है, ये देखिए हाथ में पूरा घी हमने खूब डाला है इसमें। और ये हमारा मिक्सर पूरा 3-4 किलो है प्रात भर के, पूरा पूरी फैमिली के लिए। सर्दियों में आप बनाएं, बड़े बूढ़ों को सबको खिलाएं अच्छे से, और आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसे ही एक एक करके बनाते जाएं। ये देखिए हमारी पिन्नी बनके तैयार हो चुकी है अच्छे से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।